नमस्कार, आर्यावर्त टीवी में आपका स्वागत है। ज्योतिष एक प्राचीन विद्या है और इसका जो हमारे देश में ही सबसे पहले प्रारंभ हुआ, इसी विद्या पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य आचार्य जीतू सिंह जी। इन्होंने इस क्षेत्र में, ज्योतिष क्षेत्र में काफ़ी अच्छा प्रयोग किया है, काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं। हमसे बात करेंगे ज्योतिष विद्या के विभिन्न विषयों पर। मैडम, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। मैडम, जैसे कि हमारे देश में प्रारंभ जो आयुर्वेद और ज्योतिष हमारे देश से आरंभ हुआ जी। और ये बहुत ही निरंतर प्रगति की ओर है जी। आज हम देख रहे हैं कि प्राचीन समय से लेकर जो अब तक बहुत सारे ज्योतिषाचार्य आगे बढ़ते जा रहे हैं, इस क्षेत्र में आते जा रहे हैं, इसका क्या कारण है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे ऐसे फील्ड थे जहाँ लोग जाना नहीं चाहते थे। ऐसे लगता था कि पहले एक ही ब्राह्मण है, पंडित जी हैं, बस वही ये कार्य करेंगे और इसके अलावा जो पंडित घराने से ही ताल्लुक़ रखते होंगे तो बस वही इस फील्ड में जाते थे। लेकिन धीरे धीरे जब ज्योतिष का लोगों को समझ में आने लगा कि ये साइंस और मैथ का एक कॉम्बिनेशन है, ये एजुकेशन का पार्ट है, तो वहाँ लोगों का रुझान भी बदलने लगा और एजुकेशन की तरफ इसका रुझान होने लगा। पढ़ने लगे, पढ़ाई करने लगे कि ग्रहों की क्या भूमिका रहती है, ऑर्बिट पे अगर ग्रह हैं तो उसकी कितनी डिग्री पे ऊपर उसका एक्टिवेशन होता है। तो धीरे धीरे जो है वो एक क्वालिफाइड, जैसे कहते हैं ना कि वो पर्सन सामने आने लगा और यंगस्टर भी आने लगे, बच्चे भी आने, यानी पूरा जो एक एरिया था जो एक पंडित जी के ऊपर डिपेंड होता था, तो वो भूमिका धीरे धीरे बदलने लगी क्योंकि ज्ञान सामने आने लगा, नॉलेज सामने आने लगी, एजुकेशन सामने आने लगी। एक फैक्टर ये भी है और दूसरा डेफिनेटली कहते हैं ना, जब मरता क्या नहीं करता, जब किसी के ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम भागने लगते हैं। पानी के अंदर अगर किसी को फेंक दो अचानक तो वो भी पैर हाथ मारने की कोशिश करता है। तो सेम कुछ चीज़ें ऐसी भी होने लगी कि जहाँ समस्याएँ बढ़ने लगी वहाँ ये विद्या भी बढ़ने लगी। तो ये दोनों ही पूरक हैं। कोई एक चीज़ अगर हम कहें कि सिर्फ समस्याएं बड़ी हैं तो विद्या बड़ी है, नहीं, लोगों का खुद का इंटरेस्ट भी डेवलप हुआ है क्योंकि बेसिकली ये ज्योतिष जो है ये बहुत ही नॉलेजेबल विषय है और बहुत वास्ट विषय है। तो धीरे 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 लोगों का रुझान बदलने लगा इस चीज़ में। आपने कहा कि ज्योतिष एक नॉलेज और बहुत वास्ट, सही बात है, इसका हर कोई मतलब समझ नहीं पाते। अगर ये मैंने अभी जो हम कहे कि ज्योतिषों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो इससे क्या आपको नहीं लगता है, आपको ये ज्योतिष विद्या को आगे बढ़ने में इसको सहायता मिलती है या फिर इसका ह्रास होने हो रहा है इसके? देखिए, ह्रास कब होता है? ह्रास का सबसे क्लियर फंडा क्या होता है, जब आप किसी बिना ज्ञान के किसी भी चीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो हरासमेंट है। अब दिक्कत क्या है कि पेशेंस लेवल लोगों में कम हो गया है कि ऐसे एक साल में ज्योतिषी बन गए और एक साल में तो शायद वो ग्रहों की भूमिका ही नहीं समझ पाएंगे कि कौन से प्लेनेट की एग्जैक्टली क्या स्वभाव है, क्या भूमिका है। तो थोड़ा सा अगर मैं ये कहूँ कि इस विद्या की तरफ अगर वाकई ही जाना चाहते हैं, जो भी जाना चाहते हैं, अगर इसमें थोड़ा समय डिप्यूट करें, आप अपने थोड़े एजुकेशन की तरफ ज़्यादा बढ़ें या एक लंबा समय निर्धारित करें, क्योंकि जो पुराने ज्योतिषी हैं, बड़े ज्योतिषी हैं, बहुत फेमस ज्योतिषी हैं, आप उनसे कभी जिक्र कीजिएगा, उनसे बात कीजिएगा, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बहुत साल लगा दिए हैं। वो एक साल में या छः महीने में या तीन महीने में नहीं बने हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी का जो वैल्यूएबल टाइम है, जो इम्पॉर्टेंट टाइम था, जो बहुत उनके अपनी ज़िंदगी में इधर उधर घूमने का भी था, बट उन्होंने अपना डेडिकेट कर दिया अपनी इस विद्या के ऊपर। तो इसे बेसिकली पढ़ने की ज़रूरत है, ज़्यादा इसके ऊपर ज्ञान करने की, रिसर्च करने की ज़रूरत है, लंबा समय देने की ज़रूरत है। हम जल्दबाजी में बहुत जल्दी हम इसको बिजनेस की तरह डेवलप कर लेंगे तो ये दिक्कत कर रहा है। प्रॉब्लम ज्योतिषी ज़्यादा होना नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि अधूरा ज्ञान जो होता है वो आपके खुद के लिए भी डेंजरस होता है और सामने वाले के लिए, क्योंकि जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आता है वो आपको एक बड़े गॉड के रूप में देख करके आता है, अपनी बड़ी सारी समस्याएं आपके सामने रखना चाहता है, बट अगर उन्हें सही राह नहीं मिल रही है तो एटलीस्ट उन्हें एक गलत राह ना मिले। तो यहाँ सिर्फ ज़्यादा विद्या को हासिल करने के साथ साथ नॉलेज गेन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और थोड़ा पेशेंस लेवल की ज़रूरत है, जल्दबाजी की जगह नहीं है ज्योतिष में। आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ज्योतिषाचार्य हैं, काफ़ी आपने इस क्षेत्र में प्रयोग किया, 24 साल दिया,
तो एक अच्छे ज्योतिषाचार्य की क्या पहचान है, जो ज्योतिष विद्या में महारत पारंगत है, क्या कैसे जाना जाए कि ये अच्छे ज्योतिष हैं? देखिए अच्छे की तो खैर परिभाषा तो सामने वाला ही बता सकता है, अगर मैं खुद कहूँ तो मैं सबसे अच्छी तो शायद लगता है सबसे ज़्यादा झूठ होगा। और बेसिकली जो एक ज्योतिषी के अंदर ज़रूरत होनी चाहिए, सबसे पहले धैर्य शांति, दूसरा हड़बड़ाहट अपनी कम करनी चाहिए, लालच थोड़ा सा पीछे रखना चाहिए, जल्दी बिजनेस बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, नेगेटिविटी को थोड़ा सा दूर रखना चाहिए, क्योंकि हम दूसरों के जीवन को थोड़ा सा सुखमय बनाने की कोशिश करते हैं, हम चाहते हैं कि हमें ये बुरी आदतें छोड़ दो। और जब हम ये कहते हैं कि बुरी आदतें छोड़ दो, क्या हमने छोड़ी हैं वो आदतें? तो पहले तो हमें ही छोड़ने की ज़रूरत है। हम घर में चिल्ला चिल्ला करके बात करते हैं, बाहर जाकर कहते हैं शांत रहना चाहिए, हम घर के अंदर अपने लाइटें नहीं जलाते हैं, दूसरों को कहते हैं कि घर पूरा रोशन कर दो, हम घर के अंदर अपने एक छोटा सा दीपक नहीं जलाना चाहते हैं, बाहर वालों को कहते हैं रोज़ आपने 40 दिन का दीपक जलाना है। यानी कहने का मतलब यह है कि सिस्टम में सबसे पहले हमें खुद को डालने की ज़रूरत है। होता क्या है कि ज्ञान हो सकता है किसी को थोड़ा सा कम हो, जरूरी नहीं है कि जितना ज्ञान हमारे बहुत सीनियर ज्योतिषी हैं उन जितना ही आपके अंदर भी आ गया हो, लेकिन धीरे धीरे आप उस ज्ञान की तरफ बढ़ तो सकते हैं। ये प्रथम कर्तव्य हमारा होना चाहिए कि हमें थोड़ा सा धैर्य शांति पॉजिटिविटी नेगेटिविटी दूर रखनी चाहिए, एजुकेशन की तरफ आपका रुझान होना चाहिए, आपकी सरलता जो होती है ये बहुत जरूरी होती है। तो ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है एक ज्योतिषी, जो जिंदगी है उसको ज्योतिष से जोड़ा है वो क्या है और उसे कैसे उस लोग अपने जीवन को बदल सके, इसके बारे में बताइए। देखिए जब हम एक अपने कपड़े डिजाइन कराते हैं ना, तो उसके पीछे हमारा एक लॉजिक होता है कि हम खूबसूरत दिखें, अट्रैक्टिव दिखें। लेकिन जब हम लाइफ की पूरी लाइफ डिजाइनर, मैं अपना नाम इसलिए लिखती हूँ कि जब हम पूरी लाइफ को अगर डिजाइन कर लें, तो सोचिए हमारा जीवन कितना सुखमय और सरल हो सकता है। डिजाइनिंग का मतलब ये नहीं है कि उसका ऊपरी हिस्सा डेकोरेट किया जाए, दैट इज नॉट डिजाइनर। डिजाइनिंग मीन्स कि आपका पहला कदम से लेकर के आखिरी का कदम कितना अच्छा है। जैसे सुबह हम उठते ही हैं, उठते ही आप अपने घरों को थोड़ा सा एक पॉजिटिव वाइब्स देने की कोशिश करो, कच 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 करके चिल्लाना शुरू कर देंगे, उसको तोड़ना शुरू कर देंगे, सामान खोलना, जल्दी चलो भागो फटाई, ये कर लो वो कर लो, तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये कहीं हमें खतरे की घंटी की तरफ ही लेकर के जाती हैं। तो जब हम एक सिस्टम को अपने जीवन में डालते हैं, चाहे वो खाने का हो, चाहे वो आपके सोने का हो, चाहे आपके उठने का हो, चाहे आपके पहनावे का हो, चाहे आपके व्यवहार का हो, चाहे आपके बाहर वर्क पे जाने का हो, चाहे कम बैक करने का, वापस आने का, और घर के अंदर एक सिस्टम को डेवलप करने का, तो जब हम ये सारी चीज़ों की तरफ डिज़ाइन मतलब इस सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो वहाँ आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। आसान के साथ साथ आपकी ज़िंदगी एक डेवलपमेंट की तरफ निकलती है। तो हमें बेसिकली अपने आप को, अपनी निजी जिंदगी को डिजाइन करने की जरूरत है। हम दूसरों को बदलाव कराना चाह रहे हैं, तुम बदल जाओ, तुम सुबह उठ जाओ, तुम ये कर लो, मैंने कहा तो तुम बैठो, मैंने कहा तो तुम उठ जाओ, तो क्यों ना हम अपनी तरफ देखें कि ये चीजें क्या हमारी जिंदगी में हमें तकलीफ नहीं देती, कि जब कोई इतना ज्यादा ऑर्डर हमारे पे करता हो तो क्यों ना हम उस चीज को इतना बैलेंस कर लें कि हमें इसकी दिक्कत ही ना पड़े, हम इतनी खूबसूरती से उस अपनी लाइफ को डिजाइन करें ताकि हमारी जिंदगी जो है वो सरल हो सके। और जहां सरल होगी जिंदगी वहीं सुख है, जितना कॉम्प्लिकेटेड होगा, जितना कॉम्प्लिकेशंस आप बढ़ाएंगे अपनी जिंदगी के, वहां आपकी जिंदगी खतरे की तरफ जाती है। जो हम इस जन्म में दुख भोग रहे हैं, ज्योतिष विद्या में धर्म में भी सब में कहा है कि इस जन्म में हम दुख भोग रहे हैं, जो हमारे पिछले प्रारब्ध जो पिछले जिंदगी तो उसके कारण भुगत रहे हैं। तो अभी हम मान ले कि घर में लोग रहते हैं, परिवार में सब कनेक्ट करने पड़ते हैं, तो कैसे पता चले हम गलत कर रहे हैं, कौन सा काम कर्म जो हमारा गलत को और मतलब अगले जन्म को दुख में भुगतेगा पता चलेगा, तो कैसे हम पता चले कि हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं? अब देखिए कितनी खूबसूरती से आपने इस बात को बताया, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ये लॉजिकल क्वेश्चन है। हमने इस जिंदगी में कोई अच्छे मतलब कोई बुरे कर्म नहीं किए, अच्छे कर्म कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम दुख भोग रहे हैं। हमने अपना एक सिस्टम भी डेवलप किया, फिर भी हम कुछ अंश दुख भोगते हैं। हमारे घर के अंदर 5 लोग हैं, लेकिन 2 लोगों की जिंदगी बड़ी हड़बड़ाहट की है, 3 की अभी भी शांत है। तो
ये हमारे पिछले संचित कर्मा तो है ही है, वो कुछ परसेंट है, लेकिन हम क्या करते हैं कि कुछ परसेंट को अपनी जिंदगी में ज्यादा हावी कर लेते, हमारे तो पिछले कर्म है ना, इसलिए ये खराब हो रहे हैं। अरे अगर पिछले कर्म अगर इतने से खराब हैं, तो इस जिंदगी के कर्म तो ठीक कर लो। आप एक अच्छा व्यवहार रखो, आप दूसरों को पीड़ा मत दो, तकलीफ मत दो। अब दूसरों की जिंदगी में आप जहर घोल दो, दूसरों को आप टॉर्चर करना शुरू कर दो, दूसरों के आप पैसे को मार लो, दूसरों के हक को मार लो, दूसरों को मेंटली हरास करना, तो ये इस समय के जो जोड़ रहे हैं ना, जो क्रियामान क्रिया जो इस समय कर रहे हैं, यही क्रियामान कर्म जो है वो आपके आगामी कर्म में कन्वर्ट होने वाले हैं। तो जो पिछला है उसको आप, अब मुझे एक बात बताइए, मेरे पास एक शीशा आया कोई, मैंने उसे शीशे को लिया, वो शीशा नया है, उसके ऊपर एक डस्ट लगी हुई है, डस्ट को मैं क्लीन तो करूंगी ना, तो मैंने क्लीन करके उसको बहुत अच्छा शीशा बनाया, क्योंकि मैंने उसको डेली यूज करना है, यूटिलाइज करना है उसको, और मैं हर दिन उसको साफ करती हूँ। मैंने ये तो नहीं कहा था आया था गंदा तो चलो गंदा ही रहने देते हैं, कोई बात नहीं, उसमें और जमता जाएगा गंदा, उसको क्लीन हमें करना ही पड़ेगा। यानी जो पहले कर्मा अगर हम भुगत करके यहां अगर इस समय प्रॉब्लम में है, तो इस कर्मा को इतने स्ट्रॉन्ग कर दो कि उसका इंपैक्ट पिछली वाइब्रेशंस पे भी जाए, और उसका इंपैक्ट हमारी आने वाली जिंदगी के ऊपर भी हो, ताकि अगला आने वाला जो कर, जो हमारा खुद का सेल्फ क्रिएटेड हमने क्रिएट कर रहे हैं, पिछला तो जो क्या हुआ आपको नहीं पता कि आपने पिछला क्या करके आए हैं, लेकिन ये जो कर रहे हैं ये तो हमें मालूम कि हम क्या कर रहे हैं, तो इसको सुधारिए, आपका पिछला भी सुधरेगा, आपका अगला भी सुधरेगा। ज्योतिषी भर में जब हम आप लोग देखते हैं कि किसी का जन्म राशि चक्र है, तो समय और स्थान ये सब देखते हैं। मान लीजिए कि जिस समय में एक बच्चे जन्म, उसी समय 10 बच्चों को भी जन्म हुआ, लेकिन वो बच्चा कोई उसी में से, जैसे मान ली एक स्कूल में कोई बच्चा 10 बच्चे पढ़ रहे हैं, एक आईएएस अफसर बन जाता है, डॉक्टर बनता है, एक बहुत छोटा रह जाता है, बहुत अच्छे बने, तो ये कहते हैं कि उसकी जो ग्रह होता है उसके प्रभाव पड़ता है, फिर सब पर क्यों प्रभाव पड़ता है? समय तो वही है, एक बिल्कुल जी बिल्कुल। देखिए दो तरीके के इसमें आंसर से निकलते हैं, एक होता है ट्विंस वालों को, ट्विंस देखे होंगे आपने, जुड़वा बच्चे होते हैं, वो एक ही घर में 5 मिनट के अंदर के 10 मिनट का डिफरेंस होता है, लेकिन एक राजा एक रंग का है, वहां आ जाता है आपके नक्षत्रों का ख्याल, नक्षत्र कितनी डिग्री के ऊपर बदल गए, कितना उसकी भूमिका रहेगी। दूसरा आता है कि एक ही समय के ऊपर 10 स्टेट्स के अलग अलग बच्चों ने जन्म लिया, वहां आता है हमारे ज्योतिष का देश काल पात्र, कहते हैं जैसा देश वैसा काल वैसा समय, मतलब जैसा वहां का एटमॉस्फेयर वैसा समय वैसा पात्र वैसा ही आपका बिहेवियर। एक इंपैक्ट पड़ता है वो, दूसरा इंपैक्ट पड़ता है हमारे संचित कर्मा का, तो ये कुल मिलाकर के 3-4 चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। अगर मान लीजिए कि मेरे घर में एक बच्चा होने वाला है और मैं हर दिन एक नेगेटिव काम करती हूँ, किसी को टॉर्चर करके आती हूँ, किसी का हक मार के आती हूँ, किसी को कुछ तकलीफ दे करके आती हूँ, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि 10 माओ ने सेम काम किया हुआ है, एक माँ मंदिर में बैठी होगी, वो पूजा पाठ में लग्न होगी, एक माँ घर के अंदर गीता पढ़ रही होगी उस समय, एक माँ क्लब में घूम रही होगी पता चले, दूसरी माँ पता चले किसी का पैसा चुरा करके लेकर के आ रही हो, तो कर्म भी बदले वहां, जहां कर्म का इम्पैक्ट। अगर आप ये सोचिए कि हम एक कॉमन लैंग्वेज में बताते हैं कि पेट के अंदर बच्चा सब कुछ सुनता है, तो क्या बच्चा हमारी ये एक्टिविटी उसकी इम्पैक्ट उसके ऊपर नहीं पड़ रहा होगा, हमारे अच्छे बुरे का? अगर हमारे खाने का इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ रहा है, अगर हम कोई ऐसा खाना खाते हैं जो बच्चे को डाइजेस्ट नहीं होता, उसका इम्पैक्ट पड़ गया एक सेकेंड के अंदर, हमारे कर्मों का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। पिछला संचित कर्मा कुछ परसेंट, कुछ क्रिएटेड कर्मा जो इस समय हम कर रहे हैं, और कुछ ऐसी चीजें ऐसी एक्टिविटीज जो हम इस समय करते हैं, प्लस देश काल पात्र। जैसी अवस्था में आपका जन्म होता है, जिस अवस्था में जिस जगह पर आता है, तो वहां का ऑरा भी बहुत स्ट्रांग होता है, उसके अकॉर्डिंगली आपके जीवन के अंदर कुछ बदलाव आना स्वाभाविक होता है। 1.5-2 साल से हमारे देश में, पूरे देश विदेशों में कोरोना ने अपना प्रभाव किया, इस कारण लोग तनाव में हैं, कई लोग आत्महत्या कर रहे हैं, कई बिजनेस इनका खराब हो गया, तो सबसे ज्यादा आज तनाव में लोग जी रहे हैं, तो तनाव का मैंने उसका निवारण ज्योतिष हिसाब से कैसे किया जाए, इसके बारे में बताइए। हाँ बिल्कुल, देखिए जब ग्रहों की भूमिकाएं बदलती हैं तो वहां पूरा सिनेरियो ही बदल जाता है। बहुत सारे ग्रहों की उथल पुथल भी रही है,
लेकिन हम क्या करते हैं कि हम उन चीजों को अपनी जिंदगी में इम्पैक्ट नहीं डालने देते, हम उस तरफ रुझान नहीं रखते। जो चीज, जो फैसिलिटी हमारे पास है, हम उसका यूटिलाइजेशन नहीं करते हैं। आज गांव गाय के घी से लेकर के गोबर से लेकर के हजारों तरीके की औषधियां तैयार होती है जो पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस है, वर्ल्ड वाइड पूरा उसका इंतजाम किया जाता है, उसका यूटिलाइजेशन, लेकिन हमारे देश में हम नहीं करेंगे। हमारे देश में हम कुछ एक वेस्टर्नाइज कुछ चीज ले आएंगे, उसकी फ्रेग्रेंस पूरे घर में करना, कपूर छोड़ देंगे हम, लेकिन कुछ नहीं ऐसा कि लिक्विड जल्दी आसान आसान जो हो जाए वो करें। पहली चीज तो हमें हमारे घर के ऑरा को ही डेफिनेटली क्लीन रखना चाहिए, क्योंकि घर का एटमॉस्फेयर होता है वो आपकी जिंदगी के ऊपर बहुत इंपैक्ट डालता है। दूसरा, ये हड़बड़ाहट की जिंदगी को देखिए, रेमेडीज कब काम करती हैं? रेमेडीज तब काम करती हैं जब हमारा खुद का इंटरेस्ट होता है उन रेमेडीज को करने का, उन उपायों को करने का। डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो प्रिस्क्राइब करके देता है, एक छोटी सी पर्ची के ऊपर आपको लिख के दे देता है कि आपने ये मेडिसिन खानी, वो मेडिसिन खानी, इतने बजे खानी, लेकिन घर में आकर के कौन खाता है? डॉक्टर साहब तो नहीं आते हैं, हम उसका समय बांध लेते हैं, हम 10 मिनट भी इधर से उधर नहीं करने देते। तो वो एक सिस्टम में हम जब मेडिसिन खाते हैं तो 5 दिन में करेक्ट हो जाते हैं। सोचिए कितनी करेक्शन हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर कि इमीडिएट हम 5 दिन के अंदर ठीक हो जाते हैं। तो अगर हम अपने घरों के अंदर कुछ सिस्टम ढाल रहे हैं, पेरेंट्स हैं, शुरुआत तो पेरेंट्स को ही करनी चाहिए, क्योंकि हमने ज्यादातर क्या प्रॉब्लम हो गई है कि जब कोई पूजा होगी तो हम बच्चों को नहीं बिठाते। अरे बच्चा सो रहा है, बच्चा अंदर है, बच्चा दोस्त के साथ बात कर रहा है, हमने उनको एक ऑरा लेने ही नहीं दिया पॉजिटिव, तो वो स्ट्रेस की तरफ ही जाएगा। 24 घंटे अगर के वो टेक्नोलॉजी के बीच में ही घुसा रहेगा, उसको अपने संस्कार नहीं पता, उसे उस फ्रेग्रेंस नहीं मिलेगी, उसको कपूर की फ्रेग्रेंस नहीं मिलेगी, उसको एक अगरबत्ती की सुगंध उसके अंदर नहीं जाएगी, जो पॉजिटिव मंत्राज हैं उसकी वाइब्रेशंस नहीं कैच करेगा, तो वो डिप्रेशन की तरफ ही जाएगा। हाँ, दूसरा क्या होता है कि एक बहुत ही साधारण तरीका होता है कि जैसे हमें मान लीजिए कि अगर शुगर की हल्की सी बीमारी होने लगती है तो हम भाग के जाते हैं चेकअप करवा लेते हैं। आपके पास बहुत अच्छे अच्छे पढ़े लिखे ज्योतिषी हैं, आप उनसे अपनी कुंडली के बारे में एक जिक्र जरूर कीजिए कि आपके कुंडली के अंदर स्पेशली पहला हाउस लग्न की स्थिति कैसी है। इतना सा जनरली एक रुझान हर व्यक्ति को जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये एजुकेशन है आपके पास, बस उसका यूटिलाइजेशन करने की जरूरत है। लग्न की स्थिति कैसी है, आपकी चंद्रमा और सूर्य की स्थिति कैसी है, ये 3 स्थितियां अगर आप समझ लेते हैं तो आप सोचिए 80% ट्रीटमेंट आप खुद कर लेंगे। 12 बजे तक सो करके उठने का चलन, ये डिप्रेशन नहीं देगा तो क्या देगा? वो दैवीय स्नान है ही नहीं, वो कोई धार्मिक स्नान है ही नहीं उसके अंदर, उसके अंदर कोई एक ऐसा सात्विक स्नान नहीं आया, वो सीधा दैत्यों का स्नान किया आपने, अपने नहाए भी पहले राक्षसी समय के अंदर, तो आपके उसके ऊपर इंपैक्ट क्या पड़ेगा? थोड़ा उठने का सिस्टम बदलिए, सोने का सिस्टम बदलिए, चीजों की क्रियाओं का सिस्टम बदलिए, तो डिप्रेशन भी दूर होगा, टेंशन भी दूर होगी, घबराहट भी दूर होगी और चीजें भी अचीव कर पाएंगे हम। हमारे पास सब कुछ होते हुए हम नहीं करना चाह रहे हैं, हम सिर्फ डिपेंडेंट है कि कोई आकर के सब कुछ कर जाए, कोई कैसे कर जाएगा जब आप ही नहीं करना चाहते हैं। तो अपने घरों के सिस्टम को थोड़ा सा बदलने की, संभालने की और समझने की जरूरत है। हमें अपने घर को, अपने परिवार को, हमारे जो सिस्टम बदलने की आवश्यकता है, कह रहे थे आचार्य जीतू सिंह जी, और ये है तनाव कम करने का सबसे मूल मंत्र। मैडम हमारे कार्यक्रम आए, तो बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी अच्छी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दर्शकों को, सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं जरूर कहूंगी कि प्लीज अपने तनाव को कम करने का सिर्फ एकमात्र आप ही विकल्प है, हम ही चाहेंगे तो ही बदलाव निश्चित है।